18 जून 2023 सुबह के ठीक 9:30 बजे 5 लोग टाइटन सबमरीन में बैठ के ओशियन में जाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने जा रहे हैं, वही टाइटैनिक जहाज जो कि आज से करीबन 100 साल पहले समुद्र में डूबा था। ये एक बहुत महंगा टूर है। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने करीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया है बस कुछ घंटों के टूर के लिए। ये टूर इतना महंगा इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे दबा है, करीबन 3,810 मीटर की गहराई में सबमरीन नीचे जाना स्टार्ट करती है। इसे करीबन 2 घंटे लगेंगे 3,810 मीटर की दूरी को तय करने में। यह हर एक 15 मिनट में ऊपर रखे जहाज पोलार प्रिंस को एक सिग्नल भेजती है। पोलार प्रिंस ही एकमात्र कम्युनिकेशन का सोर्स है इस सबमरीन के। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को गए हुए सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कनेक्शन खो देता है। शाम के 4:30 बजे इस सबमरीन को ऊपर आ जाना चाहिए था पर इसका कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। जब सबमरीन अपने समय पे नहीं पहुंची तो ऊपर जो टीम थी पोलार प्रिंस में उन्होंने 7:10 पे US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में। और उसके बाद एक भयानक खोज चली, एक मल्टीनेशनल खोज चली कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि उन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. तो आइए देखते हैं टाइटन सबमरीन का पूरा सच। वो जगह जहां ये सबमरीन गायब हुई वो अटलांटिक ओशन में कनाडा देश के पास लोकेटेड है, कैनेडियन आइलैंड ऑफ न्यूफाउंडलैंड से करीबन 600 किलोमीटर दूर। इसी जगह के पानी की गहराइयों में महान टाइटैनिक जहाज भी डूबा था और यहीं उसका रेक भी है। टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूटा था एक आइसबर्ग से टकरा के, एक रेक वाला हिस्सा और दूसरा बो वाला हिस्सा। ये दोनों एक दूसरे से करीबन 800 मीटर की दूरी पे गिरे हैं पानी के सरफेस पे। ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई है वो हकीकत में एक सबमर्सिबल थी। सबमरीन और सबमर्सिबल में कुछ डिफरेंसेस होती हैं। सबमरीन सेल्फ पावर्ड होता है, ये एक पोर्ट को यूज करके ओशन में आ जा सकती है लेकिन सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं कर सकते। सबमर्सिबल्स को लॉन्च करने के लिए और वापस लाने के लिए एक जहाज चाहिए होता है, जो इस केस में पोलार प्रिंस थी। ये पूरा ऑपरेशन ओशन गेट कंपनी चला रही थी जिसके सीईओ स्टॉकटन रस ये भी उन 5 पैसेंजर्स में से एक थे जो कि इस हादसे में मारे गए। स्टॉकटन रस बाय प्रोफेशनली एरोस्पेस इंजीनियर थे और साल 2009 में इन्होंने ये ओशन गेट कंपनी बनाई। ओशन गेट एक प्राइवेट कंपनी है जो कि अमीर लोगों को डीप सी एक्सपेडिशन करवाती है टूर के तौर पर। 3,810 मीटर अगर इसे फीट में देखे तो 12,500 फीट, इतनी भयानक डेप्थ है। एक बार इसे देखिए। इस जगह पर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है सरफेस लेयर के प्रेशर से। टाइटन सबमर्सिबल में सिर्फ 5 पैसेंजर्स आ सकते थे। टाइटन सबमर्सिबल की मेन बॉडी कार्बन फाइबर की बनी हुई थी सिलेंड्रिकल शेप में। एंड में 2 कैप्स लगी हुई थी जो कि टाइटेनियम की थी। टाइटन का टोटल लेंथ 6.7 मीटर था और टोटल वेट 10,400 किलो से भी ज्यादा। इस पूरे सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता था एक छोटे से वीडियो कंट्रोलर से। We run the whole thing with this game controller. Come on! क्योंकि ये सबमर्सिबल इतनी डीप जाती है पानी में तो GPS काम नहीं कर रहा था। ये जो सिग्नल भेज रही थी पोलार प्रिंस को वो टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू जो कि स्टारलिंक इंटरनेट के थ्रू यूज हो पा रही थी, ये ओशन गेट वालों ने ही बतलाया। हम दोबारा स्टोरी पे आते हैं। उस दिन यानी 18 जून 2023 को इसमें 5 पैसेंजर्स थे। पहले पैसेंजर हेमिस हार्डी थे जो कि एक ब्रिटिश बिलियनर है जिनका की 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। ये एक एडवेंचरर भी थे और
पिछले साल ये ब्लू ओरिजिन के सब ऑर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा भी थे, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी जेफ बेजोस ने स्टार्ट की थी। दूसरे पैसेंजर 77 साल के थे, पॉल हेनरी नार्गुलेट। ये एक फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर थे। ये खुद से ही करीबन 27 बार टाइटैनिक के रैक को देखने जा चुके थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी में से एक के ओनर थे। और पांचवे पैसेंजर खुद स्टॉकटन रस थे, जो कि इस सबमर्सिबल को चला रहे थे और ओशन गेट के सीईओ भी थे। जैसा कि हम जानते हैं कि सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल में एक सिग्नल भेज रही थी पोलार प्रिंस को। वो सिग्नल भेजना बंद कर देती है 11:15 पर। इसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है पोलार प्रिंस से टाइटन सबमर्सिबल का। पोलार प्रिंस पे जो टीम बैठी हुई थी इसके बाद भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि टाइटन का जो टाइम था वापस आने का वो शायद आएगी, और जब टाइटन रिसर्फेस नहीं हुआ तो ऊपर बैठी टीम ने कुछ वक्त इंतजार किया और फिर कुछ देर बाद 7:10 पे टीम ने US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद एक जबरदस्त रेस्क्यू स्टार्ट हुई, क्योंकि बस 96 घंटे यानी 4 दिन का ही ऑक्सीजन बचा हुआ था सबमर्सिबल में। अगर 4 दिन में उन्हें नहीं खोजा गया तो सारे पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर में फैला हुआ था। उसमें से एक वैन जितनी छोटी सबमर्सिबल को ढूंढना इमेजिन कीजिए कि कितना मुश्किल काम हो गई। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। ये रेस्क्यू स्टार्ट हुआ 2 कैनेडियन एयरक्राफ्ट और 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को लेके। इन दोनों एयरक्राफ्ट ने सोनार भी डिप्लॉय किया पानी में, जिससे कि पानी के अंदर सबमर्सिबल को डिटेक्ट किया जाए। और इधर पानी के सरफेस पे 3 जहाजों ने खोज शुरू किया। जैसे जैसे समय गुजरता गया और शिप्स आती गई। इसमें से 3 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल का भी यूज किया गया इस सर्च ऑपरेशन में। और फाइनली 22 जून 2023 को एक ROV जो ओशन फ्लोर पे खोज कर रहा था उसे कुछ मलवा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज के बो से करीबन 490 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि टाइटन टूट के चकनाचूर हो चुका है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। कंक्लूजन ये दिया जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इसके पीछे 2 रीजंस भी बतलाए गए। पहला, जितने भी सबमर्सिबल्स होते हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है ताकि वो आसानी से प्रेशर को आगे रिफ्लेक्ट कर सके। पर टाइटन सबमर्सिबल को सिलिंड्रिकल शेप दिया गया कि उसमें ज्यादा लोगों को बिठाया जा सके। और दूसरा रीजन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाइटन की जो मेन बॉडी थी वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, लेकिन जो आम तौर पे सबमरीन या सबमर्सिबल्स होती हैं उनका बॉडी स्टील या टाइटेनियम या अल्मोनियम की बनी होती है। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। आज तक कार्बन फाइबर को इतने डीप सी में कभी टेस्ट नहीं किया गया था। बहुत सारे लोगों ने कार्बन फाइबर को लेके बहुत कुछ बोला। यहाँ तक कि जो टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर थे जेम्स कैमरॉन, उन्होंने भी बोला कि टाइटन का जो दोनों एंड कैप्स था वो हिस्सा टाइटेनियम से बनाया गया था और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कार्बन फाइबर की मेन बॉडी थी वही अब टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। We always understood that this was the wrong material for submersible hulls because with each pressure cycle you can have progressive damage. इस केस से हमें सीखने मिलता है कि कभी भी सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टॉकटन रस के ओवर कॉन्फिडेंस ने उनकी जान ले ली और साथ ही साथ उन चारों पैसेंजर्स की भी। आई होप कि आप टाइटन सबमर्सिबल के पीछे का पूरा सच जान पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।